हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और आपके लिए आया हूँ आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो हम बात करने जा रहे हैं जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स है उनको, मतलब कि 3G में काफ़ी मतलब कि अच्छे स्मार्टफोन थे, जैसे जैसे मतलब कि 4G वाले स्मार्टफोन, चाइनीज स्मार्टफोन जैसे कि शाओमी वगैरह मार्केट में आए, तो दोस्तों उनका मतलब कि अस्तित्व भी नहीं रहा। तो दोस्तों इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मतलब कि 2015 या फिर 16 से पहले, जब दोस्तों आप जानते हो कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में जैसे कि माइक्रोमैक्स जैसे स्मार्टफोन आते थे, इंटेक्स, लावा, इस तरह की जो भी स्मार्टफोन मतलब कि इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज थी, तो दोस्तों वो आते थे। तो दोस्तों उस पर मतलब कि कस्टमर को काफ़ी बिलीव था, और जो कस्टमर मतलब कि माइक्रोमैक्स जैसे स्मार्टफोन को काफ़ी ट्रस्ट करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मतलब कि स्मार्टफोन 4G में कन्वर्ट हुए, तो दोस्तों जो माइक्रोमैक्स था वो अपना स्मार्टफोन जो है चाइनीज़ स्मार्टफोन के बदले रिप्लेस करता था और उसमें अपना ब्रांड नेम लिखता था। तो दोस्तों लगभग इसी तरह हर एक कंपनी करती थी, जैसे कि इंटेक्स भी जो मतलब कि जो उसकी रेस थी उसमें 4G की रेस में वो फेल हो गई। तो दोस्तों इस तरह से मतलब कि वो काफ़ी पीछे हो गए। और दोस्तों इनका सबसे बड़ा मतलब कि नुकसान हुआ जब शाओमी इंडिया में अपने स्मार्टफोन लॉन्च करता था, जैसे कि दोस्तों रेडमी की जो सीरीज़ आती थी, तो दोस्तों उसमें मतलब कि इसको बहुत पीछे कर दिया, क्योंकि दोस्तों जो इसमें प्रोसेसर होता था वो उतना अच्छा नहीं होता था। लेकिन दोस्तों इसमें लगभग उसमें काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन के रूप में देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों जो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज़ है उसने काफ़ी अच्छे ढंग से इसको रिप्लेस करके अपने स्मार्टफोन बेचने शुरू कर दिए, जैसे कि दोस्तों रेडमी ने मतलब कि इसको चेंज कर दिया और रेडमी आ गया। तो दोस्तों बेस जब चेंज हुआ तो दोस्तों वो सीधा जनरेशन मतलब की प्रॉब्लम आई, जैसे कि 2G और 3G के जो स्मार्टफोन इंडियन कंपनीज़ बनाती थी, तो दोस्तों उसमें लगभग इंडियन कंपनीज़ को जो इंडियन कस्टमर था उनको ट्रस्ट था कि इंडियन कंपनीज़ मतलब कि अपनी कंपनी है तो इसे सपोर्ट करना है। लेकिन दोस्तों जैसे 4G पे जैसे स्मार्टफोन पहुंच गए, तो दोस्तों उनके जो स्मार्टफोन थे इंडियन कंपनीज़ के वो उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन दोस्तों जैसे 4G के स्मार्टफोन्स आए, तो दोस्तों जो इंडियन स्मार्टफोन्स कंपनी बहुत पीछे हो गई, और जो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी जैसे कि रेडमी ने काफ़ी मतलब कि अपना मार्केट कैप्चर कर लिया, क्योंकि दोस्तों जो रेडमी है वो 2014 में आई, लेकिन दोस्तों उसने मतलब कि अपना जो बजट रेंज स्मार्टफोन था वो काफ़ी लेट लॉन्च किया, जैसे ही 4G मतलब कि स्मार्टफोन में आना शुरू हो गया। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स थे वो काफ़ी पीछे हो गए। तो दोस्तों जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ के पास अब चांस है वो 5G पे बनता है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मतलब कि जनरेशन गैप के थ्रू ही वो अपनी जो पावर है उसको बैक कर सकता है, क्योंकि दोस्तों जो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी है जो बजट रेंज में बनाएगी, तो दोस्तों उसमें लगभग अगर जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज उनसे जल्दी फ़ोन ला ले तो काफ़ी अच्छे से होगा। लेकिन दोस्तों जो माइक्रोमैक्स के साथ प्रॉब्लम है वो है सर्विसिंग की प्रॉब्लम, और जो वो चेंज कर देती है अपना नेम और अपना स्टैम्प लगा लेती है माइक्रोमैक्स वाला। अगर दोस्तों वो अपना काम खुद कर दे और अच्छे स्मार्टफोन लाए, तो दोस्तों मतलब कि इंडियन कस्टमर अभी भी बिलीव करते हैं स्मार्टफोन, जैसे कि दोस्तों नोकिया की प्रॉब्लम भी यही हुई थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही नोकिया ने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लाना शुरू कर दिया, तो नोकिया के जो स्मार्टफोन थे वो अच्छे से बिकते आज की डेट में। तो दोस्तों इस तरह से इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज जैसे कि माइक्रोमैक्स, इंटेक्स वगैरह पे भी अभी भी लोगों का विश्वास है कि वो मतलब कि अगर आप अच्छे स्मार्टफोन लाए तो दोस्तों बहुत अच्छे ढंग से आज की डेट में भी इंडिया में बिक सकते हैं। दोस्तों जो जनरेशन गैप है उसको ही मतलब कवर करना है, जैसे कि जो 5G है उसका स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे ढंग से बना के इंडिया में लाना है और अच्छे प्राइस में लाना है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छे से जो मार्केट है वो वापस मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अगर इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ की बात की जाए, तो इंडिया में अभी तक इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है कि वो मतलब कि इंडिया में स्मार्टफोन बना ले। जैसे कि दोस्तों अभी जो आपने जाना कि जो सैमसंग का जो स्मार्टफोन है, तो दोस्तों वो इंडिया में बन रहे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने इस साल इंडिया में अपना सेटअप स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों अपनी जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में रखती है। तो दोस्तों लेकिन दोस्तों जो बाकी स्मार्टफोन कंपनीज है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में असेंबल करती है। तो दोस्तों ये इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात हो सकती है। तो दोस्तों चैनल बी टेक में आपके लिए ऐसी वीडियोज चलाता रहूँगा।
वीडियो को कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।